ਨਮਸਕਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੋਗਰਾ ਡਿਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੰਡ ਪਨੀਰੀ ਇਸੇ ਲੋਕ ਸੁੰਡ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸ ਇਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੁੰਡ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਲ ਕਨੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਭੋਗ ਅਸਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਭੋਗ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁੰਡ ਪਨੀਰੀ ਹੈ कढ़ाई रखी ले कढ़ाई रखी है आ, इसी रखी लिया तो इतने अस रखी लिया दु दी अस बनानी तो बना है ड्राई फ्रूट आ खीर खीर बनाने जो दुध लिया ना दुद्ध है बस हूँ अस दो चम्मच घ्यो पाई लड़ाई चें तो ड्राई फ्रूट फ्राई करते स पहले ऐसे बादाम पहले बादाम के ऐसे आस्ता आस्ता फ्राई कर लेना इसलिए तक की वही नहीं जान बस सेक ऐसे काट से का के रखना ये ऐसे बादाम फ्राई करिए कढ़ी लेने हो ना आस्ता आस्ता करिए ने कढ़ी लेना बाहर दूआ पैन ऐसे रख लिया इसी पहले ऐसे एक चम्मच क्यों वैसे ही जरा सारा गरम होने देना गाजू पहले ऐसे इधर फ्राई करने इन्हें भी ऐसे फ्राई कर लेना राम ने आस्ता आस्ता चलाइए काले नहीं होने इन्हें भी ऐसे बाहर कर लेना और ना से पहले मखाने इन्हें भी ऐसे इससे क्यों जगह फ्राई कर लेना तो उ दो चम्मच घ्यो है अस शुरु पाया हाँ बस हूँ असें दूआ पैन रखे जो घ्यो पाएता हाँ ये अस नमकीन आलू बनाने न। मते सारे लोग अपने भोग से नमकीन नहीं बनते पर मैं ये थोड़ा ज नमकीन भी बनाना आलू ही में कट्टिया नहीं पाना इं तोड़िए पाई ला बस ये असें कोई हल्दी नमक कुछ नहीं पाना लून में थोड़ा जटिए रखे उ मिक्स करना इनी आस्ता आस्ता चलाई लेना इतरा से अपने मखाने ये दिखि लेना तो मखाने से बाहर कड्डे लेने इथे ऐसे 1.5 चम्मच घ्योर ले लिया तो उन ऐसे इते पले लेनी है सोनियां जैसे किशमिश भी आ देना ते तो इसी भी ऐसे आस्ता आस्ता अलकया तकने फ्राई कर लेना सेक दो से कट के रखने पूरा नहीं ते सडिया ने बस इसी रूप फ्राई करते जानो जहाँ तक है फुली नहीं जान ये फुलना शुरू हुई पे उनमें गैस की रोड़नी बंद ये आस्ता आस्ता कढ़ाई दे के गन्ने के फुली आनी बस फिर ऐसे इसी बाहर कट्टे क्ढी लैनी हूँ असें बिंदा गोटा कट्टे दा हमें जिसे नारियल भी आ आखदे न ते इसी भी मैं के गई क्यों घ्यो ट्राई कर लेना इसी भी तलिए में बाहर कर डी लेना बस उन्हें सुंड पंजीरी अस बना लगे हैं तो जरा सर एक चुटकी सुंड पाई में मैं बच्चे के घ्यो उन जी असें स्यूल ले दिए इसी भी असें इस कढ़ाई गर्म कर लेना गैस सड़ी बंद गए नहीं तो जड़ी है बड़े तौले सड़ी जाती है गैस में आन नहीं है कितनी थी एक मैं सोगी थे टाइम के बंद कर ले ही बस ऐसे उन इसी सुंड की थी बिच्छ कला ही लाना साढ़े जड़े तैयार ना ये मौसम दे अनुसार के बनने दे उन देना जी ऐने दिन है ज़्यादा हैवी पचेदा नहीं है उस वजह ने बर्त ज़्यादा उन देना बस इसी भी असें बहर क्ढी लैना तो एक बकरे डूंगे च पाई लैना ये जी सारे खीर वास्ते असें दूध रखे का हा दुद्ध सड़ा हो गया ये हूँ असें कन्ने के आलू सड़े न जड़े ये मैं लून जोड़ा तुम्हें तो मैं सुनाया मैं कुटिया रखे का हा पूतने आला थे नमक सुखाई ले साल पर इस्तेमाल हो जाना ये मैं बिच पाई बस असें इसी दोबारा लाई लेना ताकि एक सेकंड को भी काटो ना ऐसे ही गैस की चलने थे ना तो बस बंद कर देना इन्हें शेल करियां से पीला ना ताकि ये लो निर्देश अच्छी आए यहाँ से एक पैन रख लिया इधर मैं खांड पायले खांड पाने के बाद इधर मैं एक खंड लिए मैं एक कटोरी तो इधर मैं आधा कटोरी पानी पाना अगर तो लगे कि पानी घोड़ा तानी दा दे, बधाई देमी योड़ा और दे। दे, पा लिया हूँ मैं आस्ता करिए खंड घोली लैनी असें एक तार चाशनी बनानी है बर्फी ज ड्राई फ्रूट पाक थोड़ा जानी जा ओर पाई लिया हूँ मैं इसी करोली लैनी ये एक तारे चाशनी बनानी है बर्फी ज ड्राई फ्रूट पाक ये असें स्यूल ली ये असें खंड कोई तीन चम्मच पाई है मैं ये मैं पीले दी है खंड बस हूँ अस इस मिक्स कर लेना मलाई लिया असें इसी शैल कर हूँ असें इसी जी स्यूल है इसे मैं थोड़ा जहा एक सैकेंड ग्राइंड करना ये मैं पार्ट पा लिया तो बस असें इसी चलाना मत लोग नहीं भी करते पर यह स्वाद चीज़ा रली जानियाँ यह जो सा दुद्ध हाँ इसी में बंद कर लिया हूं असर पाई ले मखाने मखाने पाने बद नारियल है थोड़ा जा पाना हार्डली डेढ़ चम्मच बा पाने थोड़ा हारे ड्राई फ्रूट बस इसी पाइल ऐसे जरा सारा इसी लाई तो के पाई लेने कोई दो चम्मच खंड तो वो भी नहीं पाई मैं डेढ़ है तो इसी ऐसे लाई लिया तो फिर ऐसे इसी खट्ट रखी देना ये के सारा हो जाना गर्मी अब्जॉर्ब इधर सड़ी ये चाशनी जी पे ही है। तो इसी हूं मिक्सी ग्राइंड कर हिलियां में ये देखो ये जड़ी सुंदर पंजीरी जड़ी है ये देखने ता स्वाद बता ते जड़ा से उन्हें ड्राई फ्रूट हा ये थोड़ू अरा पाना हार्डली को चार पंच काजू चार पंच बादाम ते थोड़े अरे आठ दस दाने सोगी थोड़ा ना मैंने अरिल बुरा पालिया ते इसी आसे उन लाई लेना पा ल्ट इसी तुम ऐसी तो सबक भी जो सौ मैं इसी कटिए पाना दो इलाचियाँ पाई लिया ये भी थोड़ी मर्जी है तो उस पाना चाहो पाई लुशबू बढ़िया होती है और खाने भी पाचक होता थोड़ा जो ये काले मिर्च भी पाने लगे लॉसट पाने ये संजीरी बड़ी फेमस सुन पंजीरी होंगी है और खाने ही मैं कढ़ाई ज़्यादा चम्मच पाई घ्यो पाई है थोड़े हारे मगज तो जड़ा से नारियल गोटा जड़ा हा उसी फ्राई कर लिया जो बच्चे का सड़े को हूँ असें देखी लैना जल्द जिया हो जाए इधर अस इसी कोलियों पाई लैने समान अपना ये साड़ी स्यूल इसी पाई लिया असें बाद नमक साढे नमकीन आलू ये चे अरे नमक तो पूतना जगह सूखाया था वाला नमक पाया था ये पाया था मैं उधर भी निबिधा स्वाद बढ़िया ना तो उन्हें सिर्फ बनाना पंचामृत पंचामृत पंचाम्रित मतलब पंचाम्रित पानी आ से दूध पायलिया कच्चा दूध है दो चम्मच ये आ से डेढ़ चम्मच दही पा लिया से तुलसी दल ये तुलसी दल पाइए तुलसी पा लिया तुलसी में पाना थोड़ा रा शायद एक आधा चम्मच ये पहले लिया शायद ऐसे भी पायें मिक्स कर लेना कोली लेना शैल करिए खोलने दे बाद इधर से पाना चरासर क्यों दूधदही शायद क्यों ते तुलसी दल इधर जासे गंगा जल पाना वो मैं अंदर जिए पूजा रूम अली जस चौकी पर ही पायला ना बस ऐसे ही कोली लेना ले उली जैसी ऐसे रख ले ना उन जगह सारे कुलिन जिन्ना भी ड्राई फ्रूट बची रहा वो सारा ऐसे इसी सारे ये ऐसे ग्राइंड कर ले तो ग्राइंड करिए से जड़ा ऐसे चाशनी बनाई थी जी मिठाई बनानी है से ये ऐसे तले उतारिए देख लेनी के ये ऐसे साड़ी तार चढ़ी है बना दी जाने बस ऐसे उन इसी जिन्ना भी ड्राई फ्रूट है मिक्स कर और जड़ा भी थोड़े को चीज बची ना जब गोटा बादाम जड़ा भी बचिया मैं ये सोगी भी करने ली ये कर सारा असें ग्राइंड कर लिया हूँ तो अस इसी कोई हार्डली दो मिनट को घाइम चलाना यह पाई लिया मगज जो गोटा लसटा पर ये नी स्वाद है अच्छी बनती है ना यहाँ के तुझ बर्फी भी बनाई सकते हो इधर से आते दो इलाचियां भी पालें इसी आसान है थोड़ा जा चलाई ना गैस आन करिए ताकि ये ड्राई फ्रूट्स आर इधर पक्की पक गया है तो क्या ना खांडे जड़ी है और कन्यू ही आया जासने ये देखो एक हुई भ बोलना दो टाइम को एक निकी प्लेट ले, ले इसी घ्यो लाइए देस घ्यो लाइए ग्रीस कर लिया ग्रीस का मतलब है कि कटना, जा कटना वो आसानी बस इसी बंद करिए इस शिफ्ट कर ला लेना से इस इसी इसी। कि त बनाइए जरूर देख सारीज भी हम बखरी बखरी भी दसी ही पर क्योंकि सर टाइम की बचत होनी टाइम सात टोटली पूरिया चीज़ बनाने की भीह मट लग भीहट भी, भी, भी वैसे है। बस है पंद्रह लगे होने इसी इस सैट कर लेना थोड़ा थोड़ा गर्म है इसलिए तकर बिल्कुल ठंडा होना एक पंज मिनट के दे बाद देखो तुम तो सात सत मिनट लगे होने इसी ठंडा होने इसी भी क्ढी लेना ये देखो हाँ साड़ी खीर अस कटोरी क्डी या क्यों सारा ऊपर आइ जा फुल मखाने बिल्कुल गली है ना ये खीर ਬਰਤਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਖਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕੱਟੀ ਲੈਣਾ ਕੱਟਿਆ ਦੇ ਪੀਸ ਕੱਟੀ ਲੈਣੇ ਇਸੇ ਕੱਟਨੇ ਦਾ ਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾਇ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਟਣਾ ਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ तो तुम इसी फ्रीजर रखिए भी ठंडा करी है। पर मैं इसे बाहर ही बहर हीता बाहर भी बस इं करिए पीस अस कटिए पहले रखे हैं कटते जाना इसी असें कट गरम की कर लाई लेते हैं प्लेट की ये देखो पूरे बर्फी के पीस बने कर असें यह भी अपनी कटोरी सजाई लड़ी हम भोग की थाली तैयार हुई, गई ये असें मखन मिश्री भी पाई है मखन मिश्री ये पहले पाई ला काले मर्च यखन मिश्री जी है सड़की ये असें घर क्या मखन लिया चरा सरा थी हारी मिश्री पाई ली ये आलू सी स्यूल यी खीर यृत ये लॉसट मखन मिश्री ਖੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਆਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਉਰ ਦੀ ਖੀਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੇ ਬਣਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਸੜੀ ਬਰਫੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੁਆਦਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁੰਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਾ ਮਤਾ ਇਰਕੀਤਾ